मुझे पिछले 2 महीने से एच. पाइलोरी बैक्टीरिया की इन्फेक्शन थी, जिससे मुझे ब्लैक मोशन हो रहे थे। तो मुझे रेक्टम में बहुत सीवियर पेन थी। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि यूट्यूब पे देखना शुरू किए। यूट्यूब डॉक्टर साहब की देखी, तो मैंने वो तीनों वीडियो देखी और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम जम्मू से वाया कार जलंधर आए और मुझे ये बताया कि आपको ना एनल फिशर है। तो नेक्स्ट डे मेरी 10 बजे सर्जरी हुई। तो मुझे कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आई, मतलब इवन सिंगल कॉम्प्लिकेशन नहीं आई। मेरा नाम डॉक्टर गुरदर्शन सिंह है। मैं इसी साल 30 जून को CSIR डिप्लोमा जम्मू से एज ए चीफ साइंटिस्ट एंड हेड फार्माकोलॉजी डिवीजन रिटायर हुआ हूँ। मुझे पिछले 2 महीने से एच. पाइलोरी बैक्टीरिया की इन्फेक्शन थी, जिससे मुझे ब्लैक मोशन हो रहे थे। तो उसके लिए मैंने पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल जम्मू में दिखाया, उसके बाद फिर दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया। तो डॉक्टर साहब ने मुझे 15 दिन की दवाई दी। तो 15 दिन के बाद वो मेरी एच. पाइलोरी की इन्फेक्शन ख़त्म होगी, लेकिन उसके बाद मुझे साइड इफेक्ट होना शुरू हुए। तो मुझे रेक्टम में बहुत सीवियर पेन थी और जब भी मैं बाथरूम जाता था तो बहुत ज़्यादा दर्द होती थी। तो उसके लिए मैंने फिर एक जम्मू में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर एक सर्जन हैं, बड़े रिनोन सर्जन हैं, उनको दिखाया। तो उन्होंने कहा है कि ऐसा है कि उन्होंने 15 दिन की दवाई दी कि 15 दिन दवाई खाइए, उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही मैंने दवाई खाई 3-4 दिन के बाद मुझे इतनी सीवियर पेन होना शुरू हुई कि पेन एक बार शुरू हुई और फिर बंद ही ना हुई। वो इतनी ज़बरदस्त पेन थी कि मुझे सांस तक नहीं आ रहा था। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि यूट्यूब पे देखना शुरू किए। सबसे पहले मैंने देखा कि चंडीगढ़ में कौन कौन से हॉस्पिटल हैं। उसके बाद मैंने लुधियाना को सर्च किया, उसके बाद मैंने अमृतसर को किया और उसके बाद मैंने जलंधर को सर्च किया। और जलंधर में जब मैंने यूट्यूब डॉक्टर साहब की देखी, तो मैंने वो तीनों वीडियो देखी और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ऐसा है कि हमारे जलंधर वैसे भी जम्मू से पास है, तो जलंधर जाया जाए। तो मैंने उसी वक्त उनकी इंक्वायरी पे फ़ोन किया। तो उन्होंने बोला कि ऐसे है कि डॉक्टर साहब की जो ओपीडी है वो 10 से लेकर 3 बजे है, आप 3 बजे तक आ जाइए और डॉक्टर साहब को दिखा लीजिए। तो हम जम्मू से वाया कार जलंधर आए। तो आके डॉक्टर साहब से मिले, डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ली। तो डॉक्टर साहब ने जब मेरा पूरा इन्वेस्टिगेशन की और मुझे ये बताया कि आपको ना एनल फिशर है। तो उसके लिए ऐसा है कि 2 तरह की सर्जरी होती है, एक तो जनरल सर्जरी होती है, एक लेजर सर्जरी है। तो लेजर सर्जरी में आपको बिल्कुल पेन नहीं होगी और रिकवरी बहुत फास्ट है। तो मैंने कहा ठीक है जी, आप मेरी सर्जरी कर दीजिए। तो नेक्स्ट डे मेरी 10 बजे सर्जरी हुई और 12 बजे मुझे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। पहले डॉक्टर साहब ने मुझे बोला था कि जैसे ही सर्जरी होगी आपकी 90% पेन जो है वो बंद हो जाएगी, लेकिन जैसे ही मेरी सर्जरी हुई 90 में जाए मेरी 100% पेन खत्म हो गई और मुझे नेक्स्ट डे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। तो मैं चल के गाड़ी तक आया, गाड़ी में बैठा गया। तो मुझे कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आई, मतलब इवन सिंगल कॉम्प्लिकेशन नहीं आई। तो जहाँ के डॉक्टर जो हैं, पर्टिकुलर डॉक्टर जसमीत आहलूवालिया, ही इज एक्सीलेंट डॉक्टर, ही इज नॉलेजेबल डॉक्टर और जो उनका मेडिकल स्टाफ है एक्सीलेंट, उनका वे ऑफ वर्किंग, उनका वे ऑफ टॉकिंग एक्सीलेंट। तो मैं सब लोगों को जिनको भी जे पायल की प्रॉब्लम है, चाहे एनल फिशर की प्रॉब्लम है, तो उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मॉडल टाउन जलंधर में है, जहां आइए और बहुत आपको रिलीफ मिलेगा। थैंक यू।